आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइन है। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 20x30। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसका साइज दिया हुआ है 20x30। इसमें आपको फ्रंट में एक दुकान मिलेगी और आपको 3BHK हाउस प्लान कम्प्लीट मिलेगा 20x30 में। जैसा कि आप फ्रंट देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट एलिवेशन मिलेगा। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलेगा पूरा 20x30 का। फुल वेंटिलेशन दिया गया है, यहाँ पे जाल भी रखा गया है, देख सकते हैं वेंटिलेशन अच्छा खासा होता रहेगा। वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्लान में आपको। 20x30 का आपका प्लान दिया गया है, देख सकते हैं। अगर आपका कोई अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पर आके यहाँ पे वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर आप हमारे प्लान देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी साइज के आपको प्लान मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते हैं अपने प्लान की ओर। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एक आपको शटर मिल रहा होगा, उसके बाद आपको इंटीग्रेट मिल रहा होगा, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल रही होगी, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 फीट का गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरीके से दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फीट की आपको गैलरी दिखेगी। ये गैलरी आपकी 3 फीट की बनी हुई है। उसके जस्ट बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको शटर मिल जाता है। उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मैंने सीढ़ियाँ दी हुई हैं। यहाँ पर आपको बाइक पार्किंग के लिए रैंप बनाई हुई है, देख सकते हैं बहुत ही आसानी होगी आपको बाइक पार्किंग करने में। इस दुकान का मैंने साइज दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको एक दुकान मिल रही है। इस दुकान का मैंने साइज दिया है 7x10, 7x10 का साइज दिया है दुकान का, 7x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फीट की आपको गैलरी मिलती है। गैलरी के बाद आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही इंटीग्रेट मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको रोड साइड से मिल जाती है। ये वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो आपको रोड साइड से मिल जाती है, देख सकते हैं। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक रूम दिख जाता है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बैठक दिख जाती है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बैठक दिख जाती है। बैठक से डायरेक्ट आपको घर के अंदर जाने के लिए, यहाँ पे हॉल में आने जाने के लिए आपको इंटीग्रेट भी दिया है। डायरेक्ट आप हॉल में आ जा सकते हैं, देख सकते हैं। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 9x10, 9x10 इसका साइज दिया बैठक का, 9x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दुकान के जस्ट पीछे आपको कुछ इस तरीके से जीना मिलेगा। दुकान के जस्ट पीछे ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से जीना मिल जाता है, देख सकते हैं। जीना आपका 2.5 फिट का दिया है, ये जीना आपका 2.5 फिट का दिया गया है, जीना आपका 2.5 फिट का दिया है। अगर आप शॉप छोटी करना चाहते तो यहाँ पर जीना 3 फिट का आपका हो जाएगा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, देख सकते हैं। जीना आपका 2.5 फिट का दिया है। और जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरह की रखा है। ये पैर रखने वाला 9 इंच का है, ये पैर रखने वाला 9 इंच का है। इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है, ये पैर रखने वाला 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरह की सीढ़ियों का साइज दिया है। जीने के नीचे यहाँ पे आपको स्टोर रूम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बाइकिंग पार्किंग के लिए मिल जाएगी। बाइक भी पार्क कर सकते हैं आराम से, अगर स्टोर रूम के तरीके यूज करना चाहते हैं स्टोर रूम के तरीके भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंटीकेट मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए ऊपर से आपको रोशनदान दिया गया है, देख सकते हैं। इस गेट से अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है, यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है, जिसका मैंने साइज दिया 3.5x7, 3.5x7 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं 3.5x7। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी का आपको यहाँ पे हॉल मिल जाता है, अच्छा खासा आपको यहाँ पे हॉल मिल जाता है। इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 8.5x9, 8.5x9 इसका साइज दिया हॉल का, 8.5x9। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको किचन मिल जाती है। किचन आपकी ओपन बनी हुई है, आपको कुछ इस तरीके से किचन मिल जाती है। किचन आपकी ओपन बनी हुई है। किचन के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको अगर पूजा घर बनाना है पूजा घर भी बना सकते हैं। मैंने वैसे वॉशिंग मशीन के लिए एरिया छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आप जिस तरीके से यूज करना चाहते उस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने वॉशिंग मशीन के लिए एरिया छोड़ा हुआ है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं आप आराम से। इस एरिया का मैंने साइज दिया हुआ है, ये किचन आपकी बनी हुई है, इसका साइज मैंने दिया हुआ है 9x5, 9x5 इसका साइज दिया है, 9x5, देख सकते हैं 9x5 की आपको यहाँ पे किचन मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इंटीग्रेट मिलता है। वेंटिलेशन के लिए ऊपर से आपको रोशनदान मिलता है, यहाँ पे गेट के साथ ही अच्छा है जो आपका यहाँ पे रोशनदान मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक रूम दिख जाता है, यहाँ पर आपको एक रूम मिल जाएगा, देख सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x10, 10x10 इसका साइज दिया रूम का, देख सकते हैं 10x10। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इंटीग्रेट मिलता है और वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है और आपको गेट के साथ भी अटैच यहाँ आपको रोशनदान भी मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड बेडरूम दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सेकंड रूम दिख जाता है, जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 10x10। यहाँ पर आपको दोनों
सेम आपको साइज़ के प्लान मिल जाएंगे, दोनों आपको सेम साइज़ के रूम मिल जाएंगे, जिसका मैंने साइज़ दिया 10 बाई 10 इसका साइज़ दिया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको 3 BHK हाउस प्लान कंप्लीट मिलता है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा हॉल मिलता है, ओपन किचन मिलती है, लेटरिन बाथ भी आपको अच्छी खासी मिलती है, शॉप भी मिलती है, आपको जीना भी मिलता है। अगर आप जीना 3 फिट का करना चाहते हैं तो आपकी शॉप 9 फिट की हो जाएगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। अब बात करते हैं वेंटिलेशन की और अटिया की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि आपने नीचे देखा था आपको हॉल मिला था, हॉल के लिए पूरा यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए मैंने जाल दिया है, देख सकते हैं पूरा हॉल का वेंटिलेशन होता रहेगा, सारे रूम का लेटबाथ का सबका वेंटिलेशन होता रहेगा, यहाँ पे जाल दिया है मैंने। अटिया आपकी कंप्लीट कुछ इस तरीके से बनी है, यहाँ पे कंप्लीट अटिया बनी हुई है देख सकते हैं। बाकी का आपको यहाँ पे छत मिलती है पूरी कंप्लीट, यहाँ पे छज्जा आपका 3 फिट का निकाला हुआ है, ये छज्जा आप देख सकते हैं छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है। यहाँ पे लाइटें लगवा सकते हैं नीचे अपने हिसाब से। फ्रंट का एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया है, काफ़ी बेहतरीन लुक लग रहा है, नॉर्मल आपका प्लान है, कम खर्चे में अच्छा खासा बेस्ट प्लान आपको दिया है 30 बाई 20 में देख सकते हैं। फ्रंट इसका 20 फिट है, इसकी लंबाई 30 फिट दी गई है, कुछ इस तरीके से इसका साइज दिया है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर आज का प्लान पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो धन्यवाद।